हे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़ीशान और आप देख रहे हैं ऑल उर्दू टिप्स। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूँ कि अक्सर लोग आप लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और साथ ही आप लोगों ने देखा होगा कि मैसेज करते साथ ही वो उस मैसेज को डिलीट कर देते हैं, यानी कि अभी आपने उस मैसेज को रीड नहीं भी किया होता तब भी वो उस मैसेज को डिलीट कर देते हैं और वहाँ पर आप उस जगह पर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्या मैसेज किया था जो कि उसे वहाँ पर डिलीट करना पड़ गया। और आप उस जगह पर चाह रहे होते हैं कि हम उस मैसेज को कैसे रीड कर पाएंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि आप उन डिलीटेड मैसेजेस को किस तरह से पढ़ पाएंगे, वो भी अपने व्हाट्सएप में रहते हुए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको कोई भी मैसेज करता है और वो उसी जगह पर उसको डिलीट कर देता है तो वो आप सारे मैसेजेस वो पढ़ पाएंगे, वो भी अपने व्हाट्सएप में रहते हुए। तो वीडियो आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दें अपने एंड्रॉयड फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के ऑप्शन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलें फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बड़े ही ध्यान से देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आपको ये सब किस तरह से करना है और आप लोगों को इस तरह के डिलीटेड मैसेजेस को किस तरह से पढ़ना है। कोई भी आपको मैसेज करता है और वो साथ ही डिलीट कर देता है तो आप अपने व्हाट्सएप में रहते हुए उस मैसेज को कैसे रीड कर पाएंगे, वही मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप लोगों को इस ऐप को जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका लिंक जो है वीडियो के नीचे दे दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के एंड में बता भी दूंगा कि आपने इसको कहां से इंस्टॉल करना है। चले यहां से इसे मैं ओपन कर लेता हूं। जैसे आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहां पर आप लोगों ने इसे परमिशन देनी है। तो चले यहां पर मैं क्लिक कर लेता हूं और यहां पर इसको मैं इनेबल कर देता हूं और ओके पे क्लिक कर दें और उसके बाद बैक करके वापस आ जाएं। और इसी तरह सेकंड परमिशन भी आपने इसको देनी है, उसके बाद थर्ड परमिशन भी आपने इसको देनी है और यहाँ पर यस पे क्लिक कर दें। तीनों परमिशन देने के बाद सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पर हमारा काम हो गया फ्रेंड्स, ऐप हमारा जो है यहाँ पर ओपन हो गया। आप लोगों ने यहाँ पर कुछ नहीं करना, बैक करके हम बाहर आ जाते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को कोई भी व्हाट्सएप पर मैसेज करता है और वो साथ ही डिलीट करता है तो हम उस मैसेज को अपने व्हाट्सएप में रहते हुए रीड कर लेंगे, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। मेरे मोबाइल में फ्रेंड्स इस टाइम दो व्हाट्सएप हैं तो मैं अपने दूसरे नंबर से खुद ही अपने ही नंबर पर मैसेज करके आप लोगों को दिखाता हूँ। मान लें कि यहाँ से फ्रेंड्स मैं कोई भी मैसेज करता हूँ, यहाँ पर ये मैसेज मैंने लिख लिया, यहाँ पर मैं सेंड कर देता हूँ अपने ही दूसरे नंबर पर। आप देख रहे हैं ऊपर मुझे मैसेज जो है रिसीव हो गया, अभी मैंने उसको रीड नहीं किया, यहीं से मैं इसे जो है वो डिलीट कर देता हूँ इस मैसेज को। यहाँ पर मैं डिलीट फॉर एवरीवन पे क्लिक कर देता हूँ। मान लें कि कोई भी बंदा आपको मैसेज करता है साथ ही डिलीट कर देता है उस मैसेज को और उसके बाद यहाँ पर फिर वो अगर कोई भी मैसेज कर रहा है और इस तरह से वो आपको फिर कोई भी मैसेज कर रहा है और उन चंद मैसेजेस में से कोई भी उसने डिलीट कर दिया है और आप उस मैसेज को आप किस तरह से रीड करेंगे। तो सिंपली यहाँ से हम फ्रेंड से हटते हैं अपने व्हाट्सएप में। तो यहाँ पर मैं अपने व्हाट्सएप में आ जाता हूँ, यहाँ पर मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। तो ये मैसेज है उसने फ्रेंड्स जो पहले डिलीट कर दिया। आप लोगों ने उस मैसेज को किस तरह से रीड करना है जो भी उसने डिलीट किया होगा, तो सिंपली आपने उसके नीचे कोई भी मैसेज जो उसने किया होगा उस पर टैप करके रखें और उसके बाद यहाँ पर कॉपी पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप कॉपी पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों को उसकी सारी चैटिंग जो है वो देखने को मिल रही होगी जो उसने पहले की है, यानी कि जो मैसेजेस उसने पहले डिलीट कर दिए हैं उन सब मैसेजेस को आप यहां से रीड कर पाएंगे, वो भी अपने व्हाट्सएप में रहते हुए। तो यही फ्रेंड्स जो है वो मैजिक था, यही वो ट्रिक थी जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला था। तो आपने देखा होगा पहले मैंने जो है हाय हाउ आर यू इस मैसेज को जो है वो सेंड किया था और उसको मैंने डिलीट कर दिया था। उसके बाद वाला मैंने मैसेज ये किया था व्हाट आर यू डूइंग। तो आप लोग देख सकते हैं उससे पहले जितनी भी चैटिंग होगी आप उस सारी को रीड कर पाएंगे जो जो भी उसने डिलीट कर दिया होगा मैसेज। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो मैसेज डिलीट हुआ होगा जिस तरह की ये, आपने इसको सिलेक्ट कर कॉपी नहीं करना, ना ये कॉपी होगा ना आपको ऑप्शन आएगी। उस डिलीट वाले मैसेज से नीचे जितने भी उसने मैसेज किए होंगे आपने उसमें से कोई भी सिलेक्ट करना और उसके बाद यहाँ पर कॉपी पे
क्लिक कर देना है। जैसे आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो उससे पहले जितने मैसेज भी उसने डिलीट किए होंगे, चाहे वो 100 है 1000 है, वो सारे आप जो उसे रीड कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसे जो क्रॉस करके बाहर आ जाता हूँ। तो इस जगह पर फ्रेंड्स आप लोगों का एक लाइक करना जरूर बनता है, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, तो प्लीज लाइक और शेयर कर दिया करें। अब आपने इस ऐप को इंस्टॉल कहाँ से करना है, तो सिंपली चलते हैं हम अपने प्ले स्टोर में और वहां पर जाकर आपने सर्च में लिखना है चैट बिन। जैसे आप लिखेंगे इस तरह के इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, काफी अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है, यहाँ से आपने इसे इंस्टॉल करना है। और वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसी इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के ऑप्शन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो देखते रहें, सीखते रहें नई नई चीजें।